की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संजीव पराशर ने की। उन्होंने कहा कि एनपीएस के विरोध में और ओपीएस के पक्ष में आने वाली 25 नवंबर की शाम को एक कैंडल मार्च उना बाजार में निकालेंगे। एक ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। एनपीएस में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और ओपीएस को बहाल करने की मांग उठाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को रैली में जिला उना के अलग अलग विभागों के 1000 विभागों के कर्मचारी जिसमें हिस्सा लेंगे और सरकार को जागरूक करने का कार्य करेंगे। विभिन्न कर्मचारी अधिकारी संगठनों की एक ज्वाइंट बैठक आज हमने बुलाई थी, जो कि एनपीएस के विरोध में और ओपीएस के पक्ष में हम आने वाली 25 नवंबर को शाम के समय एक कैंडल मार्च ऊना बाजार में निकालेंगे और एक हम मेमोरेंडम जो है जिलाधीश ऊना के माध्यम से सरकार को भेजेंगे कि जो एनपीएस है उसमें हमारे जो कर्मचारी भाई बहन है उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं है, ओपीएस को बहाल किया जाए और एनपीएस को बाय बाय किया जाए। आज उसी संदर्भ में एक हमने बैठक का आयोजन यहाँ किया है और 25 तारीख को जो है वो 25 नवंबर को उस दिन रैली में लगभग जिला ऊना के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग विभागों के 1000 के आसपास भाई बहन कर्मचारी जो है उसमें हिस्सा लेंगे और सरकार को जो है वो हम ये जागरूक करने का ये जो कार्य करेंगे।